हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी भाई अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं या पेज का पासवर्ड भूल गए हैं, तो उस पासवर्ड को आप कैसे देख सकते हैं? आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ही आपका पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके सारे पासवर्ड आपको आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। अगर जिस जिस भाई को अपना पासवर्ड नहीं मिलता जिस सेटिंग को मैं बताऊँगा उससे, तो उनको जो है मैं बाद में एक ट्रिक और बताऊँगा जिससे जो है उनको उनका पासवर्ड उनके फ़ोन में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं भाई। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप यह काम करना भूल जाते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबके मोबाइल में भाई एक जो है ऐप होगी जीमेल की, ये देखिए सबके फोन में होती है जीमेल एप्लीकेशन, तो आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद ये आपको मैं दो तीन तरीके से और भी बता सकता हूं, मैंने पहले भी वीडियो बताई है, क्रोम के थ्रू भी आपको पासवर्ड बताया है, मेन सेटिंग के थ्रू भी आपको पासवर्ड बताया, तो आज मैं आपको जीमेल के थ्रू पासवर्ड बताता हूं कैसे आपको पता करना है। और जिनको यहां पर वो पासवर्ड नहीं मिलेगा अपना, तो वीडियो पूरी देखना, उनको लास्ट में बताऊंगा कैसे वो अपना पासवर्ड अपने फोन में जो है दोबारा से देख सकते हैं दूसरी ट्रिक से। तो आपको यहां पर प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको जितनी भी आपके फोन में मेल आईडी होंगी वो सारी आपको यहां पर शो हो जाएंगी, तो वो आपको मेल आईडी वो सेलेक्ट करनी है जिससे आपका जो है फेसबुक अकाउंट था। तो मेरी इस फेसबुक इस जीमेल आईडी से मेरा अकाउंट था, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद भाई यहां पर गूगल अकाउंट पर चले जाना है। जैसे ही गूगल अकाउंट पर जाएंगे तो यहां पर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हमें यहां पर थोड़ा जो है लेफ्ट में स्क्रॉल करना है और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का। आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप जो है यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बाद में मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं कि मुझे मेरा पासवर्ड नहीं मिला, तो आप यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो पासवर्ड आप जो है जान नहीं पाओगे, फिर आपका जो है अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, फिर बाद में मुझे कमेंट आते हैं। तो देखिए यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहीं पर पासवर्ड मैनेजर का, ये देखिए पासवर्ड मैनेजर। तो इसने हमारे देखिए भाई 50 पासवर्ड सेव करके रखे हुए हैं। वो सेव कैसे करते हैं, आपको लॉगिन इन्फो जो है ऑन करके रखनी होती है। जिस जिसकी लॉगिन इन्फो ऑन नहीं होती है उन्हीं को उनका पासवर्ड उनके फोन में नहीं मिलता है। तो आप जो है सबसे पहले अपनी सेव लॉगिन इन्फो को जो है ऑन कर लेना, वो अभी आपको बता दूंगा कहां से ऑन होगी। तो देखिए आपको यहां पर क्लिक कर देना है पासवर्ड मैनेजर पर। जितनी भी आपके मोबाइल में पासवर्ड प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन और वेबसाइट्स हैं उनके पासवर्ड आपको यहां पर मिल जाएंगे। अगर आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है और आपको यहां पर फेसबुक नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली यहां से सर्च भी कर सकते हो। देखिए सर्च, तो हमें यहां पर ढूंढना है, ये देखिए ये आ गया फेसबुक, तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका जो है लॉक होगा, मतलब फिंगरप्रिंट होगा या स्क्रीन के साथ पैटर्न लॉक होगा, तो वो आपको यहां पर दे देना है। उसके बाद जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया, आपके यहां पर हो सकता है जीमेल आईडी भी आए, और ये मेरा पासवर्ड आ गया। अब हमें यहां पर अपना पासवर्ड देखना है, तो देखने के लिए हम अगर इस बटन पर क्लिक करते हैं आंख वाले बटन पर, तो मुझे मेरा पासवर्ड यहां पर शो हो जाएगा, पर वो आपको शो नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है, तो यहां पर स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, आपको शो नहीं होगा। तो अगर आपको देखना है तो आपको इस आंख वाले बटन पर क्लिक करना है, तो आप यहां से अपना पासवर्ड देख सकते हैं, और फिर उसे आप यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करना चाहो तो यहां से इस पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको एक बार आई के बटन पर क्लिक करके दिखाऊं, तो यहां पर स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगी आपके सामने, देखिए ब्लैक हो गई, मैं इसको बंद कर देता हूं। तो आप इस तरह से अपना पासवर्ड देख सकते हैं, उसके बाद आप यहां से उसको कॉपी कर लो। अब भाई जिन बंदों को यहां पर अपना पासवर्ड नहीं मिला है उनको क्या करना है, उनको सिंपली अपनी फेसबुक आईडी में आ जाना है। फेसबुक पर आने के बाद यहाँ पर ऊपर जो है 3 डॉट आते हैं, मतलब 3 लाइन आते हैं, उन पर चले जाना है और यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है भाई मेटा सेंटर का, ये देखिए सी मोर इन अकाउंट सेंटर, तो आपको इस पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा देखिए भाई पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आप जैसे ही इस पर जाएंगे तो आपसे यहाँ पर एक ऑप्शन पूछेगा, देखिए भाई चेंज पासवर्ड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जिसका भी आप पासवर्ड जानना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखिए जो पासवर्ड आपने वहाँ से जो है कॉपी किया था वो आप यहाँ पर डाल दो, उससे डालने के बाद आप यहां से न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और भाई जिनका वहां पर पासवर्ड नहीं मिला तो उनको क्या करना है भाई, उनको यहां पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो देखिए भाई यहां पर आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, आपको यहां का आपका फोन नंबर आ जाएगा, मतलब व्हाट्सएप पर भी आपको कोड भेज सकते हैं, या आपको सिंपल मैसेज कर सकते हैं, या आपको जीमेल आईडी के थ्रू भी कोड भेज सकते हैं। तो हम जीमेल आईडी पे अपना कोड मंगवाते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इसने हमारी इस मेल आईडी पर एक कोड हमें भेजा है, मैं आपको जीमेल आईडी पर जाकर दिखाता हूं एक बार। देखिए ये मेरी जीमेल आईडी है जिससे मैंने पासवर्ड देखना बताया था आपको, इस पर आ गए। इस पर आने के बाद देखिए यहां पर एक जो है कोड आएगा हमें, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये देखिए ये कोड आया भाई, ये कोड है, तो 1594426 आप इसे जो है यहां से ओपन करके कॉपी भी कर सकते हो। यहां पर डबल क्लिक करके इस तरह से क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली इस पेज पर आ जाना है फेसबुक वाले पर, यहां पर इसको आप पेस्ट कर दो। अगर पेस्ट नहीं हो रहा तो भाई आप यहां से लिख भी सकते हैं ऐसे 1594426 और यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इसने क्या दिया, एंटर न्यू पासवर्ड। अब भाई आप यहाँ से अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको आपका पुराना पासवर्ड भी पता चलेगा, जिनका पुराना पासवर्ड उनको वहाँ पर नहीं मिला था, तो इस तरीके से वो अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उस पासवर्ड को जो है अपने अकाउंट के लॉग उस और उस पासवर्ड से अपना अकाउंट यहाँ से आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। तो ये तरीका था भाई फेसबुक से अपना पासवर्ड जानने का। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से भाई आप अपना पुराना पासवर्ड भी देख सकते हैं, न्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक थी पासवर्ड जानने की। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, सेटिंग अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।